गुड आफ्टरनून जानवी। हाँ भाई गुड आफ्टरनून सर। एवरीथिंग, हाउ इज द टेस्ट टुडे? हाउ इज द टेस्ट टुडे? नाइस। नाइस। ओके, आपने पहले ही सॉल्व किया था क्या उसको? नहीं सर। नहीं किया था। ओह वेरी गुड, ठीक है जी। सो लेट अस स्टार्ट। हम बोल रहे थे आप लोग खाना वाना खाए ना, क्लास चुकी होगा। अच्छा खाना खा के आए ना? यस सर। ओके ठीक है। अच्छा सो 2-3 दिन ही बचे हैं मेंस के लिए, ठीक है। मोस्टली ये लास्ट क्लास होगा मेरा, कि इसके बाद थोड़ा मुश्किल है। जितना कवर करने की कोशिश करेंगे उतना ट्राई करते हैं। ओके ठीक है। सो लास्ट क्लास में आई थिंक वी डिस्कस कार्नोट इंजन, राइट? कार्नोट इंजन डिस्कस किया था ना, कार्नोट इंजन डिस्कस किया था लास्ट क्लास। हाँ यस सर। अभी उसके बाद का थोड़ा देख लेते हैं। हाँ है ना, आप आ जाएंगे आ जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ज़रा टाइम नहीं लेंगे। एक टाइप क्वेश्चन आता है हमारा हीट ट्रांसफर से, हीट ट्रांसफर, ठीक है। अब हीट ट्रांसफर क्या होता है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 28 बोले। हाँ ठीक है ठीक है, चलो। सो हीट ट्रांसफर होता है हमारा बेसिक। इसमें क्या होता है, हीट जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है, इसको कैलोरीमेट्री में बोलते हैं कभी कभी, कि अब आइस आइस का ब्लॉक है एंड इसको पानी में डाल देते हैं, एंड दे आस्क कि व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया था, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ। सो द आइस विच वी हैव, इसका मान लो इनिशियल टेम्परेचर -30 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, आइस ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, ठंडा नहीं गर्म होगा, सो इट विल गेट टू 0 डिग्रीज, ठीक है। एंड उसके बाद आइस विल कन्वर्ट टू वाटर, वाटर हो जाएगा ये 0 डिग्रीज पर, एंड जो भी फाइनल टेम्परेचर टी मान लो, सो इट विल बिकम वाटर एट टेम्परेचर टी, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर। ना ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझ में आ गया तो बाकी इजी है, इसके बस फॉर्मूला लगाना है आपको। ओके सो ऐसा है। नाउ ये हो गया हमारा आइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मान लो आइस का मास आपका कुछ है 30 ग्राम्स है, सो 30 ग्राम्स ऑफ आइस इज देयर, सो ये 30 ग्राम ऑफ आइस, पूरा 30 ग्राम ही रहेगा, ठीक है। सो इनिशियल आइस 30 ग्राम्स का था, फाइनली वाटर 30 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो एक तो इसमें बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा बॉडी गर्म हो रहा है, कौन सा बॉडी ठंडा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आइस है, इसमें हीट आएगा बाहर से, सो इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज, इट विल गेट हीट। एंड जो हमारा वाटर है, ये वाला पहले से जो वाटर है, लेट इट्स मास बी 100 ग्राम्स। सो दिस वाटर विच इज इनिशियली एट 100 ग्राम्स, सॉरी इनिशियली एट मान लो क्या टेम्परेचर 30 डिग्रीज वाला, सो इनिशियली 30 डिग्रीज पे, सो व्हाट विल हैपन, बिकॉज हम उसमें आइस डालेंगे तो क्या होगा, ये नेचुरल हमको पता है, कोई भी आप लिक्विड में आइस डालते तो लिक्विड का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, तो वाटर का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर हो गया आपका, मान लो फाइनल टेम्परेचर टी एस का, ठीक है, 100 ग्राम्स का है, 100 100। तो इवन इफ ये टॉपिक आपने पहले नहीं पढ़ा है, बट अगर आप ये दो चीज़ लिख सकते हैं, जो बॉडी हमारा हीट हो रहा है उसके ट्रांजिशन कैसा है, जो बॉडी हमारा हीट लूज कर रहा है उसका ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, बस इतना आपने लिख दिया, तो इसके बाद क्वेश्चन ईजी, इसके बाद बस फॉर्मूला लगाना है। अभी क्या होता है कि फॉर्मूला आपका याद होगा, क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी होता है,
ठीक है, ये होता है एम एस डेल्टा टी जब हमारा दो टेम्परेचर के बीच में ट्रांजिशन होता है, एंड क्यू इक्वल्स टू होता है एम इन टू एल, ये कब होता है जब हमारा स्टेट कन्वर्जन होता है, ये मतलब हमारा सपोज सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, है ना, ऐसे होता है। एंड ये एस क्या होता है हमारा, एस इज स्पेसिफिक हीट, ये होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ जो भी लिक्विड है, वाटर, है ना, जिसका वैल्यू जनरली दिया रहता है, अगर नहीं दिया है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एटलीस्ट पता होना चाहिए, ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम, ये एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अभी सब याद करने जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल है, जनरली एग्जाम में मेंशन कर देता है, जनरली जनरल बोल रहे। सो वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम है, एंड लेटेंट हीट भी पता है तो अच्छा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो एक बार देख लेना फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं वैल्यू देख लेना, मुझे तो याद नहीं है, ठीक है। तो ये दो फार्मूला लगाना है, अब इसमें क्या होगा, ये क्यू, ये वाला क्यू लगाएंगे, Q1, देन यहाँ से ट्रांजिशन हो रहे हैं, Q2 हो गया, Q3 हो गया, तो यहाँ पे हमारा हीट एब्जॉर्ब होगा Q1 + Q2 + Q3, एंड यहाँ पे हीट रिलीज होगा Q4 जो भी है, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे तो Q4 = Q1 + Q2 + Q3, ऐसे होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला लगा के आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है मेंस में आपके, लास्ट पेपर में आया था, सिंपल होता है, ओके। तो ये फार्मूला, तो ये तो फार्मूला पता है आपको, तब कर सकते हैं, एंड ऐसे क्वेश्चन आते तो इफ़ यू ड्रॉ दिस, ये आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा बनाने के लिए, बट ये बनाने के बाद क्वेश्चन का गलत करने का चांस बहुत कम है, इफ़ यू ड्रॉ दिस, ये पूरा ट्रांजिशन ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया, ये सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ये श्रेया मयंक जानवे और कौन है, ऋचा भी है क्या, इट इज क्लियर एवरीवन, पूरा क्लियर है सबका, यस सर, यस सर, हां तो सोलो टेस्ट देने के बाद एंथुसियास्टिक है ना, पांच लोग आ गए, ठीक है, सो ये हो गया हमारा, इसमें कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये लिख लो, एंड ये फार्मूलाज लिख लो, एंड ये वाली याद रख सकते हैं, ठीक है, जो मेंस में क्वेश्चन आया था उसमें दिया था कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन, इसका वैल्यू मेंशन किया था कि आपको याद रखना था, मुझे याद नहीं आ रहा, ये रहेगा या तो अच्छा है, ठीक है, डाल लीजिए फॉर्मूला देख लो, ये वैल्यूज एक बार चेक कर लेना एनसीईआरटी से, ओके, टेक टाइप का क्वेश्चन ऐसे हो गया, तो इसी को बोलते हैं, बेसिकली इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट सप्लाइड इक्वल्स टू हीट अब्सॉर्ब्ड, ठीक है, कुछ नहीं नया, कुछ नहीं है, पहले से बढ़ते जा रहे हैं, ये हो गया हमारा हीट सप्लाइड इक्वल्स टू हीट अब्सॉर्ब, ठीक है, उसको लिख सकते हैं ना, एक टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, ये होता है जो हमारा वी हैव बीन गिवन सपोज अ रॉड लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है रॉड का, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, ठीक है, मेटालिक रॉड दिया हुआ है, ना इसमें क्या है कि डायरेक्टली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको क्या K का वैल्यू दे देगा, कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, इसका लेंथ पता रहेगा, एरिया पता होगा, ठीक है, ये एरिया रहता है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है जो DQ/DT है, दिस इक्वल्स टू -KA डेल्टा थीटा बाय एल, ये डेल्टा टी बाय एल, ठीक है, सो डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है, तो इसमें ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, जनरली ये भूल जाते बच्चे, दिस इज DQ/DT, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना, डेल्टा टी तो आप पता है कर लेंगे, एरिया भी एन एल, ना इसमें एक और लाइक हाई लेवल का कंसेप्ट है बट जनरली मेंस में नहीं पूछ सकते, पूछ मतलब जनरली पूछेंगे नहीं, उसमें क्या है कि आपको एक रॉड के जगह 2-3 रॉड लगा देंगे, एक रॉड है ऐसा, उसके बाद दूसरा एक रॉड लगा दिया, देन एक तीसरा रॉड लगा दिया, ठीक, इसका एरिया A1 लेंथ L1, इसका एरिया A2 लेंथ L2, इसका एरिया ए थ्री लेंथ L3, ऐसे कुछ दिया हुआ है, एंड दे लास्ट क्यू कि DQ/DT का वैल्यू क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको आप इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको याद होगा मैंने बताया था, यू कैन कन्वर्टेड इन टू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो एक रेजिस्टेंस ऐसे हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे, इस रेजिस्टेंस ऐसे, तो R = R1 + R2 + R3 होगा,
ठीक है, एंड डी क्यू बाई डी टी को लिख सकते हैं आप, ये डेल्टा टी बाय आर इक्विवेलेंट। अभी किसी को याद होगा तो अच्छा है, नहीं याद होगा तो चलेगा, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो इसको कर सकते हैं। एंड आर का ले जाता है एल बाई क्यू है, ठीक है, यार होता है, इसको थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं हम लोग। सो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, सपोज कोई मतलब बड़ा सा सर्किट दे दिया, ऐसे कुछ दे दिया, मतलब इसे व्हीटस्टोन ब्रिज बना सकते हैं बनाने के लिए, है ना। एंड ये एक रॉड, दूसरा रॉड, तीसरा रॉड, चौथा रॉड, एंड ऐसे कनेक्ट कर दिया। दे माइट आस्क कि करंट कितना है, हीट रेट ऑफ हीट फ्लो कितना है, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन करंट में पूछते हैं वो इसमें पूछ सकते हैं, बट वो जनरली बहुत टफ हो जाएगा, तो उसको अटेम्प्ट करना तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी फार्मूला, एटलीस्ट ये फार्मूला याद होना चाहिए, डी के बाई डी टी कंडक्शन का रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है, ओके ऐसा। तो इसको भी लिख लो सर, एक मिनट, ठीक है, आधा मिनट देंगे, अभी थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, आधा मिनट। ठीक है जी, सो ये हो गया हमारा हीट ट्रांसफर, ठीक है, लिख लिया गया, चलो। ठीक है, तो आई थिंक दिस विल बी माय लास्ट क्लास बिफोर योर मेंस, तो जितना आज कवर करेंगे उतना होगा, बिकॉज इस कल से ही मेंस है कुछ लोगों का, है ना, तो आप लोग जितना ले सकते हैं हम इतना दे पाएंगे उतना देखते हैं, ओके। सो हम लोग कहाँ थे अभी, इसके आ सकते हैं वेव ऑप्टिक्स, मेंस के पहले का लास्ट है, एडवांस के बाद पहले भी होगा बहुत सारा क्लास, ठीक है। तो ये वेव ऑप्टिक्स हो गया हमारा, अभी तक हमने 11 का पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या क्या मैकेनिक्स पढ़ा, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, ये हमने कवर कर लिया, ओके। तो काफ़ी हद तक हमने अच्छे अच्छे फॉर्मूला वगैरह देखा, अभी हमारा वेव ऑप्टिक्स आता है। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या क्वेश्चन है जी, हाँ अभी इसमें देखना है कि वेव ऑप्टिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स है, आप देखेंगे डिफ्रैक्शन है, और वो मालूज वाने कौन सा है, ब्रूस्टर एंगल है, क्या कहते हैं उसको, पोलराइजेशन है, देर मेनी मेनी टॉपिक्स जो मैंने पढ़ा दिया आपको। अगर आपको सब याद है, अच्छे से सबका फॉर्मूला पता है, सबका कंसेप्ट क्लियर है, तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। अगर नहीं याद है और क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा टफ लगता है, तो अभी के लिए कुछ याद करना है वेव ऑप्टिक्स में, तो एक ही चीज़ याद रखो जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, 99% क्वेश्चन बोल सकते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं हमारे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं आता वेव ऑप्टिक्स पूरा भूल गए, एंड हमें डर लगता है बहुत, तो एटलीस्ट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको आना चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, आप देखे होंगे डिफ्रैक्शन से कभी कभी पूछ सकता है पूछने के लिए, बट अभी कुछ पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हैं, कुछ नया से पढ़ना है तो, ओके। तो इसका भी हम डायग्राम बेसिक बता देते हैं, सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वी हैव स्लिट लाइक दिस, यहाँ पे सोर्स होता है हमारा, यहाँ पे स्क्रीन होता है, ये डिस्टेंस कैपिटल डी दिया होता है, ये डिस्टेंस स्मॉल डी होता है, ठीक है, एंड सोर्स से हमारा वेव्स जनरेट होता है, एंड ये हमारा क्या कहते हैं मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। और हाँ अभी इसमें सेम कंसेप्ट आएगा जो मैंने साउंड वेव्स में बताया था, दो तीन बार मैंने स्ट्रेस किया था कि एक वेव सपोज यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, दूसरा वेव यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। सो मान लो डिस्टेंस हमारा कुछ एक्स है, नाउ दिस वेव इज ट्रैवलिंग सम लेंथ L1, दिस वेव इज ट्रैवलिंग सम लेंथ L2, है ना। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए हमको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब यहाँ पे ब्राइट स्पॉट होगा, सो इफ यू वांट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हियर, दैट मींस उसके लिए जो L2 - L1 है, ये हमारा N लैम्डा, ये मैंने बताया था, ये कंडीशन होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये होता है L2 - L1 शुड बी इक्वल्स टू N+ ½ λ, ऐसे होता है ना। नाउ इसका इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि कभी कभी मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ पे आपको ये डाल दिया स्लैब, तो इसमें लेंथ जो है L1 थोड़ा बढ़ जाएगा, μ - 1 × t से लेंथ बढ़ जाएगा, तो आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो उसका ऐसा, ठीक है। तो ये तो बहुत टफ पूछना है तो पूछ सकते हो, है ना।
ओके तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया. नाउ इसका कंडीशन होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो ये एक्स का वैल्यू होता है दिस एक्स एन कम्स आउट टू बी एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ठीक है. एंड ये एक्स होता है हमारा एन प्लस हाफ इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अभी ठीक है. ऐसा तो ये तो फार्मूला पता होना चाहिए. मैक्सिमा के लिए कहाँ पे ब्राइट स्पॉट होगा उसका ई एक्स का वैल्यू एंड ये मिनिमा के लिए ठीक है. बहुत ये मिनिमा हो गया हमारा ये मैक्सिमा हो गया. कुछ दो फार्मूला याद रखना तो ये दो याद रख लो कहाँ मैक्सिमम होता है कहाँ मिनिमम होता है ठीक है. ये एक चीज़ हो गया. नाउ इसमें हम केयरफुली देखेंगे. सो जो यहाँ पर काउंट है यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस होगा वो जीरो होता है बिकॉज लेंथ लाइक वायर वायर नहीं वे हमारा सेम लेंथ ट्रैवल करता है. सो यहाँ पे हमारा ब्राइट स्पॉट होता है फिर डार्क स्पॉट आता है फिर एक और ब्राइट स्पॉट आएगा फिर डार्क स्पॉट फिर ब्राइट स्पॉट फिर डार्क स्पॉट फिर ब्राइट स्पॉट ऐसा. सिमिलरली यहाँ भी होता है हमारा ब्राइट स्पॉट्स ठीक है. सो ये हमारा जो डिस्टेंस है ये हमारा हाँ सो ये जो विड्थ है दोनों ब्राइट स्पॉट का इसको हम लोग बोलते हैं बीटा फ्रिंज विड्थ बोलते हैं. एंड ये आता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी ठीक. वे दो दो डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा है ना. दो ब्राइट स्पॉट के बीच में डिस्टेंस है दो डार्क स्पॉट के बीच में डिस्टेंस. डार्क स्पॉट ऐसे दिखा सकते हैं इसको गायब कर देंगे तो दिख जाएगा है ना. तो यही हमारा बेसिक डायग्राम है यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट का. एंड ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन ठीक है. और भी टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं. एक चीज़ इसमें पता होना चाहिए कि ठीक है तो पता होगा ये जो लेंथ डिफरेंस है इसको डेल्टा अगर लैम्डा लिखेंगे सो इससे फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं टू पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा ठीक है. तो ये पता होगा तो अच्छा है. और क्या है जी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इसमें इसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं ठीक है. एंड फ्रिंज विड्थ है और क्या है जी हाँ. और इसमें एक चीज़ कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं ये एन जो है ना एन हमारा जीरो से लाइक इन्फिनिटी आता है एन इक्वल टू जीरो वन टू. सो जनरली कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि वो बोलेगे कि फर्स्ट ब्राइट स्पॉट क्वेश्चन बोलेगे कि मतलब जो भी फर्स्ट ब्राइट स्पॉट कहाँ बन रहा है पूछा अगर उन्होंने या पूछा कि फर्स्ट ब्राइट स्पॉट और ठीक है. तो फर्स्ट ब्राइट स्पॉट का मीनिंग क्या होता है कि ये एन इक्वल टू जीरो मतलब हमारा फर्स्ट ब्राइट स्पॉट है मतलब ये जो हमारा ब्राइट स्पॉट है यहाँ पे तो एन इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे सो यहाँ पे मैक्सिमम आएगा ये ब्राइट स्पॉट होगा ठीक है. तो ये फर्स्ट ब्राइट स्पॉट होता है ना. काउंटिंग का है बस खेल. तो कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है बच्चों का है ना. सो ये हमारा यंग डबल एक्सपेरिमेंट. एंड जो इसका इफ यू क्या कहते हैं इसको आप ऐसे देखेंगे इस साइड से पूरा देखेंगे तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे आएगा. ये ब्राइट स्पॉट आता है ऐसे देन ब्राइट स्पॉट थोड़ा ऐसे जाते हैं हाइपरबोलिक हो जाते हैं ठीक है. सो बीच वाला ब्राइट स्पॉट ऐसे होता है फिर ऐसे हाइपरबोलिक कर रहता है. कभी कभी यही पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि यंगस्टर बेसिड एक्सपेरिमेंट का क्या कहते हैं उसको इंटेंसिटी कैसे होता है इस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं है ना. तो इतना अगर कर लिया तो एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ तो आ जाएगा. एंड एक और होता है कोहेरेंट सोर्सेस. ये इंपॉर्टेंट है कि जो सोर्स है कोहेरेंट होना चाहिए. एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था शायद जिसमें कोहेरेंट नहीं होता है ना. तो अगर सोर्सेस कोहेरेंट है तो भी तो ही ये सब वैलिड है. अगर सोर्सेस इनकोहेरेंट है तो क्या होगा सब जगह इंटेंसिटी सेम रहेगा पूरी जगह सेम इंटेंसिटी रहेगा है ना. तो ऐसा है हमारा. और भी मैंने कुछ फार्मूला बताए थे नोट्स में अगर देखना है तो देख सकते हैं. इंटेंसिटी का फार्मूला मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी ठीक है. तो ये सब है इसमें. सब क्लियर है सबको तो याद होगा मोस्टली क्लियर है सबको एकदम. इज क्लियर मयंक श्रेया रिचा यस इज दिस क्लियर यस सर. क्या हो गया जी खाना खा के आए ना सब लोग. सर फर्स्ट ब्राइट और सेंट्रल ब्राइट सेम है क्या. हाँ सही है फर्स्ट ब्राइट स्पॉट और सेंट्रल ब्राइट स्पॉट सेम है इसको सेंट्रल ब्राइट स्पॉट ही बोल सकते हैं ठीक है. ओके
क्या सब लोग खाना खा के आए कि नहीं? अच्छा लिख रहे हैं क्या? लिखो लिखो, अच्छे से लिखो। ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये पता तो अच्छा है। ठीक है, डायग्राम तो याद ही होगा आप लोगों का। ओके, फ्रिंज विड्थ इम्पोर्टेंट है, इसे क्या डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आता है ना। अच्छा मैं पूछ रहा, कोई लिख रहा है क्या? पता नहीं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा वेव ऑप्टिक्स का बेसिक, है ना। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते इसलिए मैं एक बार बता दिया, आप लोग देखे होंगे अब तक तो। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा वेव ऑप्टिक्स। सब लोग खाना खा के आए कि नहीं? अरे बताइए तो। यस श्रेया, खाना नहीं खाया क्या अब तक? कुछ बोल नहीं रहा कोई? शांति है पूरा? बाकी लोग? मैं जानवी। यस सर। खाली है ना? अच्छा। यस सर। ये खाना खाने से नींद आ रहा होगा, तो कहीं भी नींद आता तो थोड़ा खड़े होके देख सकते हो वीडियो, है ना। क्लास में तो सोने नहीं देते बेटा, अभी ऑनलाइन है। ओके, सो ये क्या हमारा वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन इधर से आएगा। नाउ इसके बाद थोड़ा रे ऑप्टिक्स देख लेते हैं। इसमें क्या है कि बहुत बहुत फार्मूला है ना, एंड क्या अगर आपको एक भी फार्मूला याद हो गया ना, तो एक क्वेश्चन आपसे सही हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा अब तक जितने भी टेस्ट दिए अपने, हमने जनवरी के पेपर का बेस्ट है उससे भी जो टेस्ट दिया, मेरे क्वेश्चन है डायरेक्टली फ्रॉम फार्मूला रे ऑप्टिक्स में। इसमें क्या ज़्यादा कुछ नहीं, बस फार्मूला लगाना है, एटलीस्ट इजी क्वेश्चन तो आपका पूरा हो जाएगा। सो आई विल गिव लिस्ट ऑफ ऑल द फार्मूलाज। ठीक है, इसमें कुछ कुछ आपको याद होंगे, कुछ कुछ नहीं होंगे, तो एक बार लिख लेते इसको। एंड ये सब इसमें थोड़ा साइन कन्वेंशन भी ध्यान रखना पड़ेगा, एंड फार्मूलाज पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक एक करके फार्मूला लिखता हूँ। एक हमारे मिरर फार्मूला, ये तो पता होना चाहिए। ये हो जाएगा 1/u + 1/v = 1/f। देन हमारा हो गया और कौन सा है, लेंस फार्मूला है, ये होता है 1/u - 1/v = 1/f। ठीक है, और क्या है, मैग्नीफिकेशन होता है v/u। इसमें आपको लेना पड़ेगा v and u should be with sign। ठीक है, और रिफ्रैक्शन फार्मूला होता है μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r। ठीक है, तो यहाँ तक जनरली सबका पता होता है, नहीं पता तो एक बार लिख लो, एग्जाम के वाले एक बार देख लेना। अगर आप जो भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक लिख लेंगे आप, तो एग्जाम के वाले वो सब फॉर्मूला देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आता भी होगा तो भी लिख सकते हैं। और तो ये बेसिक फार्मूला हो गए। नाउ इसके बाद आता है हमारा थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाले फार्मूला। इसमें क्या कि सपोज दो तीन लेंस को आपने एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, सो दो कॉन्वेक्स लेंस है, देन कॉनकेव लेंस भी डाल दिया एक तो। ठीक है, तो क्या है कि इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, एंड इसमें क्या होता है कि बेसिकली सबका पावर ऐड हो जाता है। मैंने बताया था क्लास में, तो पावर ऑफ ऑल द लेंसेज विल बी पावर ड्यू टू 1 + पावर ड्यू टू 2 + पावर ड्यू टू 3, है ना, सबको ऐड कर देंगे अपना। सो पावर क्या होता है, 1/f होता है। सो दिस विल बी 1/f equivalent = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। ठीक है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे देगा। मैं इसमें कभी कभी क्या करता है, इसमें पानी भी डाल देता है बीच में। ठीक है, तो पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला एक बेसिक है। और कौन सा इम्पोर्टेंट फार्मूला है? ये एक फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रिज्म वाला। प्रिज्म से भी कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो इसमें अगर लाइट हमारा वैसे जा रहा है, सो क्या होगा कि देयर विल बी डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो भी मैंने बताया था शायद फार्मूला, इसका क्या था, μ = sin(a+δ/2)/sin(δ/2)। डेल हमारा डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, सर डेल नहीं, a/2, सर δ/2। एंड जब हमारा डेल नहीं सर a स्मॉल होता है, तब का फार्मूला होता है, ये हमारा जो डेल है, डेल को d लिखते हैं हम लोग, d = μ - 1 into a। ठीक है, तो कहीं कहीं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम पूरा बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अभी
शायद इससे क्वेश्चन अगर आता है तो आप नहीं कर पाए, ऐसा हो सकता है ना, मतलब अगर आपको मिरर तक दे दिया, कुछ लेंस दे दिया, एकदम डायरेक्ट तो ऐसे पूछेगा नहीं, फिर अगर पूछ लिया कि इमेज डिस्टेंस दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया, फोकल लेंथ निकाल लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो, तो आप लकी है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके मेंस में तो। अच्छा ही है, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब जनरली ये बच्चे ये सब याद नहीं करते, तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। सो ये है ना, इससे भी ज़्यादा अगर कुछ है ना, ये तो आप याद करेंगे शायद, गारंटी नहीं क्वेश्चन कर पाए। अब इससे भी ऐसे कुछ लाइक कुछ कंसेप्ट ऐसे जो अगर आप याद कर लेंगे तो पक्का आप कर लेंगे एग्जाम में, लाइक जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, तो बिकॉज दिस इज लाइक जनरली पढ़ाते नहीं है इसको, तो इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारे फॉर्मूला जैसे कंसेप्ट जैसे जो अगर मतलब आप कर लेंगे तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहता हूँ एक बार, ये मैंने क्लास में नहीं पढ़ा था, तो एक बार ये लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोस्कोप का क्या है, माइक्रोस्कोप पता है ना सबको, माइक्रोस्कोप से छोटा चीज दिखता है हम लोग, है ना। तो भी उसका एकदम डिटेल स्ट्रक्चर नहीं जाना है, वी हैव टू सी की जो मैग्निफिकेशन है, ठीक है, ये वाला मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप के लिए होता है 1+D/F, ठीक है। ये कब होता है, इसका भी कंडीशन है, ये कंडीशन है जब हमारा डी रखा है क्या बोलते हैं इसको, दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आईज, जिस चीज़ को हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, उसको मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं याद आ रहा है ना। अगर कोई भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा पास लेते तो आप डिस्टिंक्टली देख नहीं पाते, सो मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन ऐसे कुछ है बोलते हैं इसको, है ना। एंड जनरली हमारा 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, है ना। तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट या फिर क्या कहते हैं जो भी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो इसमें मैग्निफिकेशन होगा 1+D/F, ठीक है, ऐसे होते हैं। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका मैग्निफिकेशन होता है D/F, ये ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से देख रहे हैं हम लोग एक ही चीज़ हो गया, है ना, तो इसका मैग्निफिकेशन ही है। अब क्या है कि इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला से मतलब आपको पूछ लेगा, माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, ठीक है, उसका मैग्निफिकेशन बता दो, तो बस ये पता होगा तो आप कर लेंगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना, तो इसको देख लो, लिख सकते हो इसको इम्पोर्टेंटली। ओके, नाउ दिख रहा है ना फॉर्मूला, हाँ दिख रहा है, ठीक है। एक और चीज़ जो है वो होता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, एक्चुअली इसको मिटा के करेंगे तो अच्छा है, ये लिख लिया सबने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो मुझे अच्छे से लिखना है। तो ये थोड़ा लिख लो, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, डिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ये थोड़ा लिख लो जी। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं ताकि माइंड में सेट हो जाए आप लोगों के। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है हमारा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका क्या है कि देखो माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही ये रहता है, लेंस रहता है, फिर आईपीस बोल सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या रहता है, एक लेंस रहता है और एक आईपीस रहता है। तो अभी वो डिटेल में जाने क्या होता है, वो दो चीज़ें रहता है ना। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, दिस बिकम्स मैग्नीफिकेशन ऑफ एमओ इंटू एम ए, ठीक है, दोनों की वजह से मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, एमओ ही है ना, हाँ एमओ इंटू एम ए। तो यह होता हमारा वी नॉट बाई यू नॉट इंटू एम ई, तो पता है 1+D/F, ठीक है ना। ये तो बेसिकली एक नॉर्मल लेंस हमने लगा दिया, उसका मैग्निफिकेशन है ना। तो आईपीस के साथ एक लेंस लगा देते हैं हम लोग, तो उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोल देते हैं। एंड इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला ये लगेगा, तो मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस विल बी एमओ वीओ बाय वीओ वीओ बाय यू जीरो, देखिए इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंटू 1+D/F, ये मैग्निफिकेशन होता है हमारा आईपीस के लिए, ठीक है ना। अगेन एक्चुअली ये मैग्निफिकेशन का इसी को यहाँ लगाना है आपको, ये हमारा होगा जब क्या रखते हैं ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर पे है जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर वो इनफिनिट डिस्टेंस पे है तो ये जगह V0/U0 × D/F, ये होगा हमारा इनफिनिट डिस्टेंस पे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या अभी एक क्वेश्चन आया तो उस दिन मुझे याद नहीं था फॉर्मूला, तो मैं बता नहीं पाया, तो भी फॉर्मूला ये है, इसको याद कर लो, इससे आंसर हो जाएगा,
ठीक है, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मेंस में, कुछ इसमें कुछ घुमाएंगे नहीं वाला, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का पार्ट है, तो उसमें वो कुछ इधर उधर नहीं करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट सब दिया जाएगा आपको, एंड इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है। शायद डी का वैल्यू नहीं देंगे तो 25 सेंटीमीटर ले सकते हैं, जनरली दे रहे थे, है ना। तो ये लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते यही अब तक जो मैंने पढ़ा है। ओके, ये हो गया हमारा। अच्छा 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 इसमें क्या है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली ऐसे नहीं है इसका, तो यही है बट इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे अप्रोक्सीमेटली तो ऐसे कुछ आता है। ये तो एल बाय एफ जीरो, ठीक है, ये तो लेंथ हमारा, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए तो ये आता है, ठीक है, इसको याद रख लो, हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे इससे ज़्यादा। तो ये लिख लो, ये एंड ये मैंने पढ़ाया नहीं था अब तक, ठीक है, एंड ये होपफुली लिख लिया होगा सबने, ठीक है जी। सर एल बाई क्या है? एल बाई एफ जीरो, एफ जीरो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। यस सर। अभी क्या है जी, इसके बाद क्या बचता है हमारा, ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब आता है टेलीस्कोप, ठीक है। तो टेलीस्कोप तो ये वाला शायद याद होगा क्योंकि दो बार क्वेश्चन आ चुका है इसका, फिर भी एक बार कर लेता है। टेलीस्कोप क्या है हमारा जी, दूर का चीज दिखता है इससे हम लोग, है ना। तो इसका मैग्निफिकेशन होता है, ये होता है हमारा एफ बाई एफ ई, ठीक है, एंड जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप होता है ये आता है हमारा एफ प्लस एफ ई, ठीक है। नाउ आप लोग बोलेंगे सर ये सब कहाँ से आ गया टेलीस्कोप, इसका डायग्राम कैसा है एंड ये वो, तो आपको कुछ लेना देना नहीं है उससे, एग्जाम में को डायरेक्टली मैग्निफिकेशन दे देगा एंड लेंथ दे देगा, एंड आपको उस एफ एफ ई निकालना है, कुछ लेकर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या है डायरेक्ट, तो आपको इतना याद रखना है, ये आ गया तो क्वेश्चन आ गया तो इस ये आ गया तो कर सकते हो, नहीं आते तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी इसमें कुछ इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, सब कोई भी कर सकता है ना। तो यही लिख लो जी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रे ऑप्टिक्स का, मतलब क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था इसलिए, एंड इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो जल्दी से लिख लो इसको फटाक से। ठीक है, लिख लिया सबने, इट इज डन। यस सर। ये श्रेया रिचा मैंक, ओके तो मिस्टर मिटा रहे अभी, ये हमारा बेसिक बेसिक फॉर्मूला हो गया इंस्ट्रूमेंट्स का, ठीक है, बहुत जरूरी है। ओके, और भी फॉर्मूलाज है, एक फार्मूला में बताना है भूल गया सर, ये लेंस मेकर फार्मूला था, वन बाय एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर माइनस वन बाय आर टू, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देता है, ये बताना जी आपको ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फॉर आवर लेंस, तो लेंस ऐसे है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अकॉर्डिंगली वेरी होगा, और कॉनकेव लेंस है तो ऐसे होगा, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है, जनरली पूछेगा नहीं, बट इसका रेडियस आपको इनफाइनाइट लेना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन ना इसलिए, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव होगा, ये दोनों नेगेटिव होगा, ओके। तो बेसिक साइन कन्वेंशन आप अप्लाई करेंगे तो लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं इसको, तो कोई भी लेंस बनाना है आपको तो ये फार्मूला है इसका, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या कहते हैं दिस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, क्या बोल सकते हैं ए बी ऐसे बोल दो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग में कुछ कभी कभी वाटर भी दे देता है, तो ऐसे होता है इसका लेंस मेकर फार्मूला, है ना। तो एक चीज़ इसमें बता देता हूँ कि हाँ एक और होता है, ये वाला मैंने बताया था, अगर लाइट ऐसे पास कर रहा है तो इसमें जो पाथ एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल होता है वो होता है, एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल होता है म्यू माइनस वन इंटू टी, तो ये म्यू थोड़ा केयरफुल लेना अगेन, ये विथ रिस्पेक्ट टू भी होगा, है ना, ये अगर ए बी है सो जो एक्स्ट्रा पाथ लाइन ट्रेवल होगा म्यू ए बाय बी माइनस वन, म्यू ए माइनस म्यू ए बाय म्यू बी माइनस वन होगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना।
ना एक चीज आपको ऑप्टिक्स में याद रखना है, ऑप्टिक्स में तो पूरा पेपर भी याद रख सकते हैं, सपोज आपको 75 क्वेश्चंस है ठीक है एंड टोटल टाइम इज 180 मिनट्स, तो एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम हो गया 180 बाय 75 हो जाएगा 60 बाय 25 कितना हो गया 12 बाय 5 ऑलमोस्ट 2.4 मिनट्स एवरेज में पकड़ सकते ठीक है। अब इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीन है तो मैथ्स में जनरली ज़्यादा लगता है ना, तो मान सकते हैं कि हर क्वेश्चन के लिए आपके लिए पास ऑलमोस्ट 2 मिनट्स है ठीक है ऑन एन एवरेज बोल रहे। केमिस्ट्री में थोड़ा कम होगा क्योंकि कुछ इनऑर्गेनिक रहेगा उसमें, ऑर्गेनिक का भी डायरेक्ट रिएक्शन रहेगा तो उसमें थोड़ा कम लग जाएगा। तो एग्जामिनर को पता है कि जो पेपर सेट लाइक पेपर सेट करेंगे हम तो बच्चे के पास 2 मिनट ही है सॉल्व करने के लिए ठीक है। तो अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है मतलब एग्जामिनर आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्वेश्चन नहीं डाला है तो हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट 2 मिनट या 2.5 मिनट्स में हो जाना चाहिए ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन ऑप्टिक्स में भी ऐसा आ गया जिसमें बहुत कुछ है एंड कोई भी क्वेश्चन ऑप्टिक्स क्या एनी क्वेश्चन यू सी इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जिसमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिया हुआ है फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड 2 मिनट में नहीं कर सकता तो देर मस्ट बी सम वे इन विच आप उसको ट्राई कर सकते हैं मतलब 2 मिनट में सॉल्व करने का कुछ ना कुछ वे होगा ठीक है। तो अगर आप उसको फिगर आउट कर पाए तो अच्छा है, नहीं कर पाए तो छोड़ दो क्वेश्चन का है ना। सो जैसे एक क्वेश्चन आया तो ऑप्टिक्स में बता रहता हूँ थोड़ा सा, बस बता रहा हूँ नहीं समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ऐसा क्वेश्चन अगर 2 मिनट में आता तो कर लो नहीं तो छोड़ दो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड यहाँ पे ग्लास लैब दे दिया ठीक है एंड ये हमारा कौन सा लेंस कॉनकेव मिरर है ठीक है ना। इसमें पूछा इसका सब दिया था, ये डिस्टेंस दिया था, ये डिस्टेंस दिया था, इसका थिकनेस दिया था 3 सेंटीमीटर, 1.5 रिक्टर एंट्री इंडेक्स भी दिया हुआ है ना। एंड दे आस्क्ड अस की इमेज कहाँ बनेगा ठीक है। तो ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन लगेगा आपको बट इसमें क्या होता है इसका रेडियस वगैरह जो 20 दिया हुआ था एंड ऐसे कुछ कुछ दिया हुआ था ठीक है। तो आपको करना क्या है इसमें अगर इसमें पूरा लाइक क्या कहते हैं हमारा लेंस फॉर्मूला लगेंगे लेंस नहीं मेरा फॉर्मूला लगेंगे पूरा ये डेल्टा एक्स कैलकुलेट करेंगे ठीक है बहुत कुछ करेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है एंड लगेगा ही ठीक है। तो अगर आपको 2 मिनट वो जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन में ट्रिक के समझ में आ गया तो आप उसको जल्दी कर पाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ेंगे तो अच्छा है। इवन तो आपको ऑप्टिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है ना आपको सब फॉर्मूला ज़्यादा सब अच्छे से आते हैं बट अगर क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया जिसमें बहुत कुछ लग रहा है कि अजीब है एंड यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट इन 2-3 मिनट्स तो छोड़ सकते हैं, दैट इज ऑलवेज बेटर ठीक है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा एंड कभी कभी तो बहुत टफ क्वेश्चन दे रहता है एकदम। जो एक था अभी कुछ तो ऐसे दे दिया था आपको ये मास एम ये एम बाई टू मास दिया हुआ है एंड क्या कुछ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया था आपको है ना एंड सेंटर ऑफ मास पे इज कनेक्टेड एंड मेनी थिंग्स दैट गिवन। तो इसको सॉल्व करते करते आपको 10-15 मिनट निकल जाएगा है ना। तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है एग्जाम में ताकि आपको टाइम वेस्ट हो, मतलब वो ये भी चेक कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं। हर बार एग्जाम में ऐसे एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं एटलीस्ट फिजिक्स में आ सकते हैं जिसमें वो ऐसे बहुत सारे डेटा दे देगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देगा एंड इफ यू ट्राई आपको सब टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, सब रोटेशन तो शायद जनरली अच्छा नहीं लगता बट कोई टॉपिक बहुत अच्छा लगता है किसी को एनएलएम बहुत अच्छा लगता है बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया ठीक है। तो बच्चे लोग वही करने करते करते टाइम वेस्ट कर देंगे 10-15 मिनट चले गए है ना एंड क्वेश्चन होगा भी नहीं एंड फिर उसका डिमोटिवेट हो जाएंगे दुखी हो जाएंगे और फिर जो इजी क्वेश्चन है जैसे लॉजिक गेट का इसका पहला क्वेश्चन था वो छोड़ देंगे है ना। तो आपको ये नहीं करना है, आपको थोड़ा सा यू हैव टू बी लिटिल काम एंड पीसफुल, दैट इज इट इज ऑलवेज गुड टू जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस वंस पहले ठीक है। मैंने बताया था ना केमिस्ट्री का पहले इजी इजी क्वेश्चन कर लो एकदम फिर फिजिक्स का इजी इजी कर लो, तो जब गो थ्रू करेंगे तो आप क्वेश्चन भी देख लेंगे एंड जो इजी इजी क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा फिर से आ सकते केमिस्ट्री और फिजिक्स पे अच्छे से कर सकते हैं फिर मैथ्स पे जा सकते हैं है ना ऐसा है। अभी आप लोगों का तो आई फील कि ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस ही है, यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बट किसी के लिए सपोज वैसा नहीं है, किसी को मतलब क्या कहते हैं मतलब सपोज मैथ्स थोड़ा वीक है किसी का एंड केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़ा अच्छा है ऐसा ऐसा तो नहीं है मेरे हिसाब से आप लोगों का, तो बताने की जरूरत नहीं। फिर भी क्या कर सकते हैं कि मैंने बताया था कि मोर देन 1 आवर यू कैन गिव टू मैथ्स, बट अगर मैथ्स में आप कितना भी टाइम दे है ना एंड वो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है तो कोई फायदा नहीं टाइम देकर, सो यू कैन गिव मोर मे बी टाइम इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री।
ठीक है, तो आपको थोड़ा खुद के हिसाब से देखना पड़ेगा। सो आपको देख अपने प्रिपरेशन की, आपको पता है कि मैथ्स में आप मे बी मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपका प्रिपरेशन है। बहुत सारे टॉपिक्स छूट गया, फिर बहुत सारे टॉपिक्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, जनरली नहीं होगा ऐसे, बट सब 10 है 10 क्वेश्चन ही आप कर सकते हैं। अब तक आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपने टेस्ट वेस्ट दिया है, तो 10 क्वेश्चन आप मैक्सिमम कर पाएंगे। तो इसमें आप क्या है, मतलब 20-30-40 मिनट से ज़्यादा देखे कोई फायदा नहीं है ना, तो शायद आप क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे होगा नहीं। ठीक है, I'm just telling किसी अगर मैथ्स वीक है तो ऐसे अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते, एंड देन यू कैन डिवोट रेस्ट ऑफ द टाइम टू केमिस्ट्री फिजिक्स, उसमें ज़्यादा चांस है आपका स्कोर करने का अगर आपका वो स्ट्रांग है तो, है ना। अब ये मैथ्स के जो मैंने मैथ्स के लिए बोला, किसी के लिए फिजिक्स के लिए हो सकता है ना, कि अगर फिजिक्स बहुत वीक ही है एंड वो मैक्स 10 से 15 क्वेश्चन कर लेगा तो बहुत है उसके लिए, तो उसमें उतना टाइम देना चाहिए, 40-45 मिनट्स। ठीक है, देन यू कैन गिव मोर टाइम टू मैथ्स एंड केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री किसी का वीक है तो उससे फर्क नहीं पड़ता अभी कुछ जो आना है वो आएगा, नहीं आना नहीं आएगा। इनऑर्गेनिक याद होगा तो करके आ जाएंगे, ऑर्गेनिक वगैरह भी कर ही लेंगे। केमिस्ट्री में तो जनरली वीक नहीं होता है, सो ऐसे टाइप का आपको पता होना चाहिए। मतलब ये सब भी क्या है, मतलब हम सब फिजिक्स पढ़ाने से नहीं होगा, आपको भी थोड़ा एग्जाम को थोड़ा थंडर दिमाग से प्रॉपरली अप्रोच करना पड़ेगा पेपर को, है ना, वो करेंगे तो अच्छा होगा। तो ऐसा हो गया हमारा, ये सब क्यों बताया मैंने बीच में, हाँ मतलब ऐसा कोई टफ क्वेश्चन आ गया, अगर 2 मिनट में सॉल्व होता करो नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, तो ये लेंस का फार्मूला लिख लो इसको, चाहे तो ये भी फार्मूला पता होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा, इसको मिटा देते पूरा। तो बिकॉज ये लास्ट क्लास है तो मैं आई ट्राई टू मिक्स थिंग्स, है ना। हाँ, इसमें मैंने, ठीक है, बोलते रहेंगे बीच बीच में। सॉरी, ऑप्टिक्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, चलो जगह हुए कि नहीं क्लास में? अरे भाई हम तो बोल रहे तब से। एवरीज अवेक, श्रेया, मयंक, ऋचा, जानवी, यस यस सर, जगह पे है तो यस सर। ठीक है जी, ओके, ये क्वेश्चन हो गया रे ऑप्टिक्स का। ओके, अभी मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फिजिक्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आई थॉट कि टाइम कम है तो बेटर आई विल टच दिस पार्ट, मॉडर्न फिजिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स तो बता दिया, बिकॉज क्या है कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जिसको आता है वो आ ही जाएगा, जिसको नहीं आता तो नहीं आएगा, है ना। उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आई विल गिव यू ऑल, ठीक है, तो वो एक बार देख सकते हैं, है ना। तो ये लिख लेते हैं, एंड आई फील कि ज़्यादा आखिरी टाइम में कुछ पढ़ के अगर स्कोर कर सकते तो मॉडर्न फिजिक्स में होगा। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं उसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कभी कभी बहुत टफ पूछते हैं, कभी कभी इजी होता है ना। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आई विल टीच दिस, क्या कहते हैं, आई विल रिवाइज दिस मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट, है ना, बहुत ईजी है इसलिए। ओके, तो कहाँ थे हम लोग, अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन पे, 32। तो एक टॉपिक हमारा है EM वेव्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिल नाउ जितना भी पेपर मैंने देखा है, हर एक पेपर में EM वेव्स का क्वेश्चन है, एक एक पेपर में, कोई पेपर ऐसा नहीं इसमें नहीं है, है ना। तो इससे क्वेश्चन तो गारंटीड आएगा, है ना, अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एटलीस्ट, है ना। सो कुछ बेसिक्स फॉर्मूला बता रहता हूँ, जैसे एक तो ये डायग्राम पता होना चाहिए आपको, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सपोज ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। सो जो स्पीड ऑफ लाइट है होता है ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में, तो स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट ऐसे मूव करता है ना। सो दिस सी, इसका मैग्नेटिक होता है, इसका वैल्यू होता है सी इक्वल टू ई क्रॉस बी बाय मॉड बी स्क्वायर, है ना। तो ये फंडामेंटल इक्वेशन है, ये आते तो आप बाकी छोटा मोटा इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, जैसे मॉड सी को आप लिख सकते हैं ई बाय बी, है ना, ई नॉट बाय बी नॉट। तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये पता तब कर सकते हैं, है ना। तो EM वेव का एटलीस्ट कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें अगर आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो एटलीस्ट फॉर्मूला डाल के देख लो, कभी कभी क्या आंसर देख ऑप्शन देख के मैच हो जाता है। जैसे ई का वैल्यू सपोज 9 आ गया, तो अगर सिर्फ एक ही इसमें 9 है ऑप्शन में तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। सो ऐसा होता है, और सो ये हो गया सी ई बाई बी ना। एक फार्मूला जो थोड़ा अनकॉमन है वो है हमारा सी इक्वल टू 1 बाय रूट म्यू इनटू ए, म्यू इनटू एप्सिलॉन, ई नहीं,
थोड़ा अनकॉमन फॉर्मूला है, बच्चों को पता नहीं होता है. स्पीड ऑफ लाइट होता है 1/√μ/2, इसे भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था मेंस में, है ना. तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रख सकते हैं. म्यू होता है हमारा, भूल गए क्या बोलते उसको, परमेबिलिटी, यानी होता है परमिटिविटी, है ना. ये मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की होता है. तो ये फॉर्मूला याद रख लो थोड़ा सा, है ना. एंड जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमारा, हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ठीक है. तो भी क्या है कि एक क्वेश्चन आया था आपके, कुछ एग्जांपल है कि आपको ये दिया था हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू, है ना. एंड आपको इसको पूछा था ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है ना. तो क्या आप सब, आपको याद नहीं है कि बी का ये क्या है, टेस्ला होता है, म्यू का यूनिट नहीं पता है. यूनिट पता भी होगा तो बहुत बड़ा यूनिट है, तो बी स्क्वायर करेंगे फिर बाय म्यू करेंगे उसका निकालेंगे, ठीक है. तो अगर आपको बस ये पता है कि दिस एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या है इसका, सिंपल है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये जगह जूल पर मीटर क्यूब इसका निकाल सकते हैं. ये बड़ा ईजी कैलकुलेट करना है ना. तो शायद डायरेक्टली ई एम एफ का क्वेश्चन नहीं बोल सकते इसका, बट पता है तो आप कर सकते हैं, है ना. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसा आएगा मेंस में एक दो. सो ये हो गया यूवी यूबी, है ना. और ठीक है, नाउ जो टोटल एनर्जी होता है दोनों का सम होगा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर पूछ लिया था, तो जगह यूवी प्लस यूबी, ठीक है. एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है हमारा हाफ ऑफ एप्सिलॉन इनटू ई नॉट स्क्वायर, ये होता है हाफ ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाय 2 आमिर, ठीक है. तो ई एंड ई नॉट में डिफरेंस है, ये ई आर एम एस होता है, ये एम्पलीट्यूड वाला ई नॉट है ना. तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐसा आ जाता है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. शायद इससे पूछेगा नहीं, बट ये सब पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली इससे डायरेक्टली ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम सी, ठीक है. तो इससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, है ना. और इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे पूछा था आपको, है ना. तो ये फॉर्मूला बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको याद कर लो जी, ठीक है. ऐसा है ना, मेंस में एक और क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा मैक्सवेल इक्वेशन से आया था. आपको ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पता है, इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये हमारे गॉसेस लॉ होता है, दिस क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना. एंड इंटीग्रल बी डॉट डी एस, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है. तो ये गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये आप सबको पता होता है ना. सो ई क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस होता है हमारा गॉसियन सरफेस का एरिया, क्लोज क्लोजिंग सरफेस होता है, क्यू एनक्लोज होता है हमारा एनक्लोज चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये एनक्लोज चार्ज तो दिख नहीं रहेगा आप लोगों को, अरे इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ट्राई करते थोड़ा, ठीक है. हाँ, सो ये हमारा एनक्लोज चार्ज है, शायद ब्लैक से लिखेंगे तो अच्छा है. ये हमारा एनक्लोज चार्ज हो गया, ठीक है. एप्सिलॉन तो पता है आपको ना, मैग्नेटिज्म जनरली ये तो पता होता है, ये नहीं पता होता है, एक एक गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बोलते हैं इसको. तो आपको एग्जाम पूछे कि गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है ना. एंड इसका जो क्लोज इंटीग्रल होता है वो हमारे साथ 0 होता है, ठीक है. ऐसा क्यों, इसमें क्या आएगा हमारा, जो जो मैग्नेट होता है ना उसका हमेशा 2 पोल्स होते हैं, प्लस माइनस. तो कोई भी आप मैग्नेट जो सरफेस लेंगे ना, क्लोज सरफेस, तो उसमें प्लस माइनस हमेशा 0 हो जाएगा, तो ये हमारे से 0 होता है, ठीक है. ये थोड़ा याद रख सकते हैं. इससे डायरेक्ट में एक और क्वेश्चन आया था, याद है, एक ये दिया था आपको फ्लक्स, एक रिंग दिया था ऐसे कुछ, है ना. तो आपको पूछा था कि इसमें अगर फाई आए है एंड इसमें फाई 0 है, ऐसे कुछ दिया हुआ था, ठीक है. दिख नहीं रहा है क्या, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया, ऐसे कुछ दिया था क्वेश्चन, यहाँ लिख देते. तो डायग्राम नहीं दिया था बट क्वेश्चन का मीनिंग ये था कि एक रिंग दिया, इसका फ्लक्स यहाँ पे फाई आया है, यहाँ पे फ्लक्स फाई 0 है ना. आपको पूछे थे दोनों के इसमें रिलेशन क्या है, ठीक है. तो एक्चुअली क्या होता है, नेट फ्लक्स 0 होना चाहिए गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से, मैग्नेटिक फील्ड अगर कुछ दिया हुआ था. सो दिस फाई आई प्लस फाई 0 इक्वल टू 0 आया था हमारा. सो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. तो ये हो गया हमारा गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ओके. तो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है.
जो रे ऑप्टिक्स वाला जो इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है नहीं ये वाला पार्ट हमेशा क्वेश्चन आता है हमेशा आता है तो ये लिख लो इसको ठीक है अच्छे से लिख लो एक एक फॉर्मूला इसमें सब इम्पोर्टेंट है ठीक है मेंस में 4-5 मार्क मिल जाएगा आपको इसका सर वो ऊपर उधर क्या लिखा है नहीं समझ में आया ये वाला नहीं हाँ उसका मतलब क्या था वो मतलब क्या था बेसिकली आपका अभी मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली कि ये आपको दिया था कि गिरिंग है मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है उसमें फ्लक्स सॉरी फ्लक्स नहीं मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा था छत कर ऐसे रिंग था ये हमारा करंट कैरिंग रिंग था आपको दिया था कि इसके अंदर एक छोटा सा और रिंग है ठीक है एंड आपको पूछा था कि इसके अंदर का फ्लक्स है 50 मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स टू दिस रिमेनिंग पार्ट इज 5 ये दिया हुआ था इसके अंदर का फ्लक्स 50 दिया था इसके अंदर का 5 दिया था उन्होंने पूछा था एग्जाम में कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 5 एंड 50 चार ऑप्शन दिया था 5 ग्रेटर देन 50 5 लेस देन 50 ठीक है ऐसे चार ऑप्शन था एक था 5 इक्वल्स टू माइनस 50 ठीक है तो इसमें गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म लगाना था क्योंकि नेट फ्लक्स जो होगा इसके थ्रू दैट शुड बी 0 ये भी है ना सो दैट इज व्हाई उसकी वजह से क्या होगा दोनों का सम 0 हो गया तो 5i प्लस 50 विल बी इक्वल टू 0 तो 5i इक्वल टू माइनस 50 तो कोई भी अगर गॉसेस लॉ को उन्होंने ये पूछ लिया क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है तो ये अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर ठीक है तो अगर गॉसेस लॉ आपको अच्छे से आता है तो ये भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे है ना ऐसा इज इट क्लियर श्रेया यस सर ओके और बताइए जी एक और है वो क्या कहते हैं शायद पूछेगा नहीं बताएगा डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह आता है ठीक है छोड़ दो उसको तो आज तक मैंने क्वेश्चन देखा नहीं इससे तो ये मेरे इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ओके सबने लिख लिया इसको अच्छा लिख लिया सबने एक एक फॉर्मूला यस ऋचा मयंक श्रेया जानवी मिटा दे इसको यस ओके तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अब क्या जो मेंस में टॉपिक होता है एडवांस में नहीं है ना तो जनरली वो पूछते हैं मेंस में बिकॉज वो एडवांस में नहीं पूछ सकते तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैसा एक टॉपिक है ठीक है इंस्ट्रूमेंट्स वाला एक ऐसा टॉपिक है सेमीकंडक्टर से वैसा टॉपिक है फिजिक्स में बता रहे और कौन सा टॉपिक है गेट्स लॉजिक गेट्स तो क्या इससे हमेशा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर ही सकते क्वेश्चन पूछना ही है उनको है ना तो इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ इसको ओके ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना एक और है अभी आते थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स पे ठीक है मॉडर्न फिजिक्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग है आपको इंटरेस्टिंग ही लगता है तो अभी पढ़ लीजिए थोड़ा सा ठीक है तो फोटो इलेक्ट्रिक मैंने पढ़ाया था आपको इसमें बेसिकली क्या होता है कि लाइट इंसिडेंट होता है जिसका एनर्जी होता है h nu ठीक है एंड ये इंसिडेंट लाइट की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन्स निकलता है ठीक है इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं फोटोन के से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं है ना तो इसमें क्या कुछ बेसिक फार्मूलाज है जो आपको पता होना चाहिए जैसे कि हाँ तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंडीशन पता होना चाहिए कंडीशन क्या है कि इफ द इंसिडेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन h nu naught h nu इज ग्रेटर देन h nu naught ठीक है ये पता होना चाहिए ये हमारा इंसिडेंट लाइट का एनर्जी ये हमारा इसको बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन बोलते कभी कभी फाइव से दिखाते हैं इसका एंड जो न्यू नॉट होता है दिस वी कॉल एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ठीक है बस इतना ही समझ गया तो काफ़ी है आपका तो क्या है कि आप सोच सकते हैं कि जो हमारा मेटल है ना सो मेटल इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा है ठीक है तो उसके पास कुछ ताकत है उसके पास एनर्जी है तो ये h nu होता है h nu नॉट होता है अगर उससे ज़्यादा हमने एनर्जी सप्लाई कर लिया तो वो मेटल्स को भी सॉरी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं अगर उससे कम एनर्जी है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकते ठीक है तो इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंडीशन क्या होता है ना तो क्या होगा इंसिडेंट लाइट h nu है एंड अगर वो h nu naught से ज़्यादा है तो क्या होगा कुछ एनर्जी बच जाएगा h nu - h nu naught सो ये जो बचा हुआ एनर्जी वो कहाँ जाएगा ये एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रखता है तो जो बचा हुआ एनर्जी है दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंजर्वेशन एनर्जी रहेंगे तो हो जाएगा हाफ ऑफ m into वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डायरेक्ट ठीक है तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें
काइनेटिक एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन्स का यानी सब है ना, एक टाइप का हो गया क्वेश्चन है ना। एंड इसको अगर कॉम्प्लिकेट करना ही है उसको तो ये भी कर सकते हैं, बेसिकली एच न्यू एच सी बाय लैम्डा होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो कभी कभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे देता है, व्हाट इज द मिनिमम वेवलेंथ फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स, ऐसा पूछ सकते हैं। सो मिनिमम वेवलेंथ मतलब उसमें क्या होगा कि यही कंडीशन जस्ट फुलफिल हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है उसमें, तो दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं है ना। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं। देन कभी कभी जो फ्रॉग फंक्शन है दिस इज जनरली गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू पता होना चाहिए, बेसिकली ये होता है 1E × 1 वोल्ट, ये हमारा जो चार्ज होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स, ठीक है। तो ऐसे आ देख सकते 1E × 1 वोल्ट। तो इसमें आपको थोड़ा मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही बता दिया, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये है हमारा वर्क फंक्शन, तो इसे डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैंने कुछ कुछ बताया भी था, अगर आपको वेवलेंथ दिया हुआ एंगस्ट्रॉम में तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट एच सी बाय लैम्डा को, ये लिख सकते हैं 1.2400 बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, ये मैंने बताया था है ना। तो ये सब चीज़ भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसका एक बार आप मेरा नोट्स देख लेंगे तो अच्छा रहेगा उसमें है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी नोट्स थोड़ा देख लीजिए, वो ग्रुप में डाल देंगे तो उसको आप चेक, मैंने डाला था ना, क्या बोल रहे, डाला था आपको, देख लो ग्रुप में मैंने डाला था। तो ये सब छोटे छोटे ट्रिक जो आप याद कर सकते हो बहुत हेल्प हो जाएगा आपको है ना। आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अब बेसिकली आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कहते हैं करंट अगर पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पता है एंड करंट पूछ सकते हैं क्या करंट है एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो इतना ही है ना, इफ एच न्यू इज लेस देन एच न्यू नॉट तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। बस इतना समझना है अभी के लिए है ना। ओके ये क्लियर है सबको, समझ में आ गया पूरा अच्छे से, कोई डाउट इसमें पूछ लो, अभी पूछ लो एग्जाम के पहले, और कोई मौका नहीं मिलेगा। यस यस कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ओके तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इसका एक बार नोट्स देख लेना प्लीज, और मुझे जो भी छोटा छोटा चीज़ें याद नहीं आ रहा है उसमें मैंने कुछ बहुत कुछ बताया था, तो मैंने ग्रुप में नोट्स डाला एक बार इसका देख लो, काफ़ी कुछ बताया था मैंने, वो ये एनर्जी का लेवल याद रखना है आपको, n=1, 2, 3, 4, एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स के लिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये तो एकदम बहुत ही बेसिक है, एंड अगर आपको रिवाइज करना है तो मेरा नोट्स देख लेना, उसमें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। डिटेल मतलब जो भी और भी कुछ चीज छूट रहा है मेरे से वो एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स देख लेना इसका एक बार, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये सब क्या है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सब डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मेंस में है ना, तो एक बार रिविजन हो गया तो आपका अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या बोलते हैं जी, डी ब्रोगली वेवलेंथ है हमारा 33 था ना, तो 34 होगा जो भी है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में, अच्छा डी ब्रोगली नहीं, पहले बोर सेटम है, तो एक बोर सेटम है देख लो थोड़ा सा। तो बोर सेटम में आपको बस इतना समझना है कि एक क्या कहते हैं इसमें क्या, हम लोग एक बीच में प्रोटॉन लेता है एंड इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हमारा इलेक्ट्रॉन है हमारा प्रोटॉन है, ठीक है। तो बोर्स एटम अप्लाइड है, लाइक एप्लीकेबल है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। उन्होंने हाइड्रोजन के लिए दिया था एंड फिर उसको एक्सटेंड किया था हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। तो ये पहले पता होना चाहिए। हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या होता है कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, बस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके शेल में बस, ठीक है। तो उस वक्त बोर्स एटम एप्लीकेबल है, उससे ज़्यादा हो गया तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं है ना, तो अगर उसमें 2-3 इलेक्ट्रॉन है तो आप बोर्स एटम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें कुछ और करना पड़ेगा। तो बेसिकली बोर्स एटम में क्या है, बस सर्कुलर मोशन है थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कल में एंड इसका होता है सेंटर की तरफ फोर्स, mv² बाहर होना चाहिए,
एंड दिस विल इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकॉज़ पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो ये जगह हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 पे r2 तो ये e स्क्वायर बाय r2 हो जाएगा है ना। तो ये बेसिक इक्वेशन है, इसको यूज करके आप बेसिकली ये पहले इक्वेशन है, एक वन मोर इक्वेशन यूज इज mvr इक्वल टू ns बाय 2 पे होता है। वैसे दो इक्वेशन है इसका, तो दो को यूज करके हम लोग काफी कुछ डिराइव करते हैं जो मैंने नोट्स में से दिया हुआ है। तो उसमें क्या क्या मैं याद करना है आपको मैं बता देता हूँ, एकदम डिटेल में नहीं बताएंगे। एक तो आपको बता रहे रेडियस का फॉर्मूला क्या है, r इक्वल्स टू r नॉट इनटू क्या होता है, देन v इक्वल्स टू v नॉट इनटू क्या होता है, एंड e इक्वल्स टू e नॉट इनटू क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एकदम लिटरली मैं बोल रहा हूँ अगर आपको ये याद है ना, आप कोई भी बोर आइटम का क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी एटलीस्ट मेंस में तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप पक्का करके आ सकते हैं। ठीक है, इसे काफी स्ट्रेस किया था पढ़ाते वक्त भी। तो रेडियस होता है हमारा एन स्क्वायर बाय जेड होता है, यहाँ पे आता है जेड बाई एन, एंड ये होता है एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो हाइड्रोजन के लिए जेड वन ले लेंगे। ठीक है, तो बस ये एक बार देख लो नोट्स में, नोट्स में थोड़ा और अच्छे से लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स में उसमें कुछ और भी वैल्यूज दिया होगा कैसे वी नॉट कैलकुलेट होता है, अगर वो याद नहीं करना है तो चलेगा, बट एटलीस्ट ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए जो सबसे राइट साइड में लिखा है, उसमें तीन कॉलम होगा, ये जो कॉलम है उसमें जो लिखा है उसको याद कर सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको पूछेगा, अगर पूछेगा तो ना इसमें टाइम पीरियड, इसके बाद इसको यूज करके बहुत कुछ कर सकते, टाइम पीरियड होता है 2πr/v, तो आपका रेडियस और वी का फॉर्मूला डाल के टाइम पीरियड निकल जाएगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था इससे। तो अगर आपको इतना है तो एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते कोई भी क्वेश्चन है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स अगर डर लगता है तो एटलीस्ट ये देख लो थोड़ा सा, एक मिनट नोट्स थोड़ा देख लेना, एंड ये फॉर्मूलाज याद कर लो ये वाला है ना, ये कर लेंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो सब लोग याद कर लो इसको, याद कर लो सॉरी लिख लो इसको सर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर उल्टा हो गया क्या, और जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, हाँ सही सही, अगर हम दूर जाएंगे तो एनर्जी कम होगा। ठीक है, ये जनरली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, एक बार नोट्स देख लो, इसका बहुत हेल्प हो जाएगा। ठीक है, फोटो बोरे आइटम का भी दे देते हैं, पूरा मॉडर्न फिजिक्स के दे देंगे, चाहे तो प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं, प्रिंट करेंगे तो अच्छे से याद हो सकते हैं, एग्जाम के पहले देख सकते हैं। ओके जी, तो ये हो गया हमारा वोर्स आइटम। नाउ अगर पूछ ले कि ट्रांजिशन हो रहा है दो एनर्जी के बीच में, तो मैंने तो डायग्राम बता ही दिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, n इक्वल टू 1 में -13.6 -3.4 या -1.8 होता है, 1.5 होता है। ठीक है, तो इसके बाद 0.84 होता है, तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांजिशन कर रहे हैं तो जो लाइट निकल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, तो दोनों का एनर्जी का डिफरेंस ले लो, दैट शुड बी इक्वल टू h/λ या h/ν है ना। या फिर ऐसे भी एक क्वेश्चन आता है, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 पे है, तो हाउ मेनी स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन पॉसिबल है, ऐसे कुछ, तो इलेक्ट्रॉन हमारा डायरेक्टली यहाँ से आ जा सकता है, या फिर यहाँ से पहले यहाँ जा सकता है, या फिर यहाँ से यहाँ जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग वेवलेंथ होगा सबका, फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आ सकता है, या फिर यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकता। ठीक है, तो थोड़ा काउंट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो ये तो थोड़ा टफ हो गया, इससे बेसिक क्वेश्चन आता है ना। सो दिस आर बोर्ड मॉडल्स, चलो क्लियर है एकदम अच्छे से, कोई डाउट इसमें, एकदम क्लियर है सबका? यस यस, जानवी श्रेया मयंक क्लियर अच्छा है? यस सर, यस सर। लिख लो थोड़ा सा इसको, कहाँ गया, हाँ ये है, ये कहाँ गया भाई, अरे हाँ ये है। ओके, तो पुलिस हमने लिख लिया इसको, वैसे नोट्स एक बार देखेंगे तो याद आ जाएगा। तो ये हमारा बोर्ड आइटम, हाँ इसमें एक और चीज होता है कि थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं है मतलब, तो यूजफुल है, जो हमारा टोटल एनर्जी है ना
ये होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये भी याद रिवाइज कर लेते थोड़ा। तो इसमें क्या है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो ये पता है आपको, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है या पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे तो थोड़ा अच्छा है। जो हमारा टोटल एनर्जी होता है माइनस ऑफ, नहीं इसका मैग्नीट्यूड इक्वल, हाँ यस ऐसे होता है कुछ, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सही लिखा है क्या? एक मिनट याद करने दो हमको, गलत सलत नहीं बताएंगे। नहीं ये नहीं, सॉरी टोटल एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल में रिलेशन होता है। अब पूरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अब ये याद रख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी हमारा होता है माइनस टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसे कुछ होता है, सही लिखा है क्या? हाँ सही है क्या? नहीं, ठीक है, बस देखना पड़ेगा मेरे को क्या फॉर्मूला था उसका। श्रेय आपको याद है क्या? श्रेया मयंक, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता है। याद नहीं है? सर यू इज इक्वल टू माइनस टू के। हाँ वही है क्या? के इक्वल टू माइनस यू बाई टू, ऐसे कुछ होता है ना? और के पॉजिटिव होता है और ई और यू नेगेटिव होता है। हाँ वो तो है, हाँ सही है सही है। तो ये रिलेशन थोड़ा याद रखेंगे तो अच्छा है इसके साथ। ये तो जनरल इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल जो टोटल एनर्जी होता है, के इक्वल टू यू बाई टू, ये बड़ा काम का है, माइनस यू बाई टू। अगर आप इसको यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो आप पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं, ये पता है आपको एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेगा आप डायरेक्ट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा वो भी डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना? तो ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा फॉर्मूला की तरह याद रख सकते हैं। याद किया तो याद हो ही गया होगा अभी तक तो, ठीक है। तो ये क्या हमारा बोर एटम, ओके, थोड़ा सा और पढ़ने का है, ज़्यादा नहीं। और क्या है जी, तो 33 क्वेश्चन हो गए, अब कुछ दो तीन क्वेश्चन और कर लेते ना आते तो क्वेश्चन में 34 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ओके। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी में क्या है हमारा बेसिक कंसेप्ट, कि डी ब्रॉगली ने बोला था कि देयर इज नाइदर लाइक कोई भी चीज से वेव नहीं होता है, फिर कोई भी चीज से पार्टिकल नहीं होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना? तो अगर कोई वेव है उसका कुछ पार्टिकल नेचर होगा, कोई पार्टिकल उसका वेव नेचर होगा, है ना? तो कभी कभी क्वेश्चन में मतलब बच्चे लोग थोड़ा डर समझ में नहीं आते हैं, कोई मास दिया हुआ है उसका कुछ वेलोसिटी भी है, यानी इसका आपको वेवलेंथ पूछ लेते हैं कभी कभी, तो डायरेक्टली नहीं देगा, ठीक है। सो कोई अगर मास है उसका वेलोसिटी भी है तो उसका वेवलेंथ होता है, इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। ये होता है एच बाई पी, जहाँ पे एच हमारा प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, पी हमारा ये होता है मोमेंटम, इसको हम लोग एच बाय एम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन में क्या है कि एच तो कांस्टेंट है, तो जो भी घुमाना है यहाँ घुमाएगा एम भी, तो इसको एच बाय लिख सकते हैं आप रूट टू एम इंटू कैपिटल ई। ये कैसे आता है? ये आपने पढ़ा होगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू टू एम ई, ये हमने मैकेनिक्स से पढ़ा था। पी हमारा मोमेंटम होता है, ई काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं, काफ़ी बार यूज हो जाता है, तो सब्सिट्यूट कर देंगे इसको तो ऐसे आ जाएगा, है ना? तो ये अगर आपको इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी पता होता है, इलेक्ट्रॉन जो भी पार्टिकल उसका काइनेटिक एनर्जी पता होता है, जनरली इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। एंड कभी कभी ये फॉर्मूला भी आ जाता है, इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ क्यू इन टू वी। तो ये क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन को अगर आप कोई पोटेंशियल ड्रॉप के अक्रॉस एक्सेलेट करवा रहे हैं चार्ज की वजह से, तो इट विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो ये हो जाएगा ऐसे आता है टू एम, अच्छा टू एम इंटू क्यू वी होगा ऐसे, दिस विल बी टू एम इंटू क्यू वी, मतलब अलग अलग टाइप का वेरिएशन ऐसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो बेसिक फार्मूला तो ये है, ठीक है, इसको यूज करके काफ़ी कुछ पूछता है। अभी अभी ये भी देखेंगे, हर बार
हर एक पेपर में एटलीस्ट आया है क्वेश्चन, वेवलेंथ का रेशियो पूछा है, या इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ कंबाइन कर दिया है ना, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट आ जाएगा। तो ऐसे होता है वेव पार्टिकल डुअलिटी में ना। इसका भी कोई नोट्स देख लेना, इसमें मैंने नोट्स में ये भी दिया था एनर्जी ऑफ लाइक, ये हमारा तो पार्टिकल के लिए हो गया, बट वेव के लिए भी ये इक्वेशन एप्लीकेबल होता है। उसमें एनर्जी ऑफ वेव हमने बताया था रेडिएशन प्रेशर वाले चैप्टर में, पी बाई एनर्जी नहीं, पी को टी बाई सी आता है ना। तो ऐसा फॉर्मूला थोड़ा एक बार देख सकते हैं, ठीक है, इसका भी नोट्स हम भेज देंगे, प्लीज चेक कर लेना। नोट्स एक बार देखेंगे तो आपको थोड़ा याद भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा था बहुत है ना, एंड उसमें भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है थोड़ा सा। तो ये हो गया हमारा वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ ये सपोज आपको दो ये दे दिया है, आपको बोला है कि इलेक्ट्रॉन का एक स्टैंडिंग वेव बन गया पूरा ऐसा है ना, तो अचानक से बच्चे लोग देख के डर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन तो हमारा पार्टिकल है, बट इसमें क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज की इलेक्ट्रॉन वेव एज अ पार्टिकल वेव, नॉट लाइक अ पार्टिकल है ना। तो इसमें सेम कंसेप्ट है, इसमें देखना होगा लेंथ कितना है ना, कितना टाइम्स वेवलेंथ होगा, एन लैम्डा बाय 2 हो जाएगा जो भी है, कैलकुलेट करना कितना वेवलेंथ है, तो टोटल लेंथ कितना होगा, सिर्फ लैम्डा निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ, ये सब पूछ सकते हैं आपको। ये तो टफ हो गया, इतना टफ जनरली पूछता नहीं है, लेकिन बेसिक तो ये फॉर्मूला है ना। दो दो पार्टिकल्स दे देगा उसका वेवलेंथ का रेशियो बताओ, दो पार्टिकल्स दे देगा उसका फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताओ, ये सब चीज आता है ना। तो ये हो गया हमारा वेव पार्टिकल डुअलिटी, डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना। एंड इसका नोट्स में जो रेडिएशन प्रेशर चैप्टर है वो एक बार देख लेना, मैं भेज देंगे क्लास के बाद, एक बार फिर से शेयर कर देंगे। तो जो भी नोट्स इंपॉर्टेंट है मैं क्लास के बाद एक बार ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेव पार्टिकल डुअलिटी, अब इसमें कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, किसी को लिखना है तो ये लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है, ये मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। कभी कभी एनर्जी देते हैं, मोमेंटम का रेशियो पूछ लेता है, तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके जी, क्या टाइम हो रहा है, सब ही नहीं हुआ, बहुत टाइम है, एक और क्लास है इसके बाद मेरा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेव पार्टिकल डुअलिटी, चलो क्लियर है, कोई डाउट इसमें, कहीं भी कुछ भी डाउट है एकदम ये सब घुस जाना चाहिए आपके माइंड में, इट इज क्लियर एवरीवन। मयंक, श्रेया, जानवी, रुचा, यस यस ओके। तो ये वेव पार्टिकल डुअलिटी, ठीक है, स्टैंडिंग वेव, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी होता है शायद आपके मेंस में सिलेबस में है कि नहीं पता नहीं हमको, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाई 2 पाई, ऐसे कुछ है, एच बाई 2 पाई, एच बाई 4 पाई, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो ऐसे होता है, सो आप इसको कर सकते हैं, डेल्टा एक्स होता है हमारा अनसर्टेनिटी इन लेंथ, डेल्टा पी होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो इसे टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक मैं भी क्वेश्चन देखा नहीं इसमें, फिर अगर पूछ लिया इस बार मेंस पे आपको तो कर देना इसका, ठीक है। सो जेन आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछ सकते हैं, अनसर्टेनिटी इन लेंथ पूछ सकते हैं, तो ये सब कर देंगे तो आ जाएगा। ये जनरली की जो पार्टिकल्स वो छोटे होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल, उसके लिए एप्लीकेबल है, बड़े पार्टिकल्स के लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं इसका, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं अभी, ये कह रहा वेव पार्टिकल डुअलिटी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसका थोड़ा नोट्स देख लेना एक बार, और क्या है, ठीक है जी, और कहाँ थे हम लोग, हाँ अभी आता है एक और चैप्टर, उस टॉपिक उसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल एमिशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है बेसिकली, जो हमारा बोर एटम है उसके थ्रू होता है, तो कोई भी अगर हमारा एटम है उसमें एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे, सॉरी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे पार्टिकल गिरता है, इलेक्ट्रॉन गिरता है, तो उससे लाइट एमिट होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है एच न्यू, उससे उसका एनर्जी होता है एच न्यू है ना।
नाउ ये अलग अलग एमिशन के लिए अलग अलग है, मतलब कैसे बोल सकते हैं इसको, मतलब अगर पार्टिकल हमारा, इलेक्ट्रॉन हमारा एन इक्वल टू 3 से अगर 1 में आ रहा है तो लाइमन सीरीज बोलते हैं उसको, एन इक्वल टू 3 से 2 पे आ रहा है, कहीं से भी अगर 2 पे आ रहा है तो लाइमन बोल्टजमैन सीरीज, कहीं से 1 पे आ रहा है तो लाइमन सीरीज, तो उतना आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो जनरल फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, वो है हमारा जो एनर्जी है लाइट का, चेंज इन एनर्जी, चेंज सॉरी एनर्जी ऑफ, एनर्जी नहीं सॉरी, एनर्जी ऑफ एमिटेड लाइट, ये होता है हमारे डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स, दोनों के बीच में डेल्टा ही होगा एनर्जी लेवल। तो अगर आपको बेसिक याद है एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, अगर 5 तक याद है तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, जो मैंने बताया था आपको याद रखने को, एंड नहीं याद है तो नहीं याद कर लो उसको। जनरल फॉर्मूला उसका रहता है सर, जेड स्क्वायर इंटू रिडबर्ग कॉन्स्टेंट इंटू 1/N1² -1/N2² ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट का वैल्यू होता है 1.1 × 10^7 मीटर इनवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट इस आता है इसमें, है ना। सो एन इक्वल टू 1 डालेंगे तो लेमन सीरीज बोलते हैं, एन इक्वल टू 2 डालेंगे तो बॉलमर सीरीज, 3 को पाश्चन बोलते हैं, 4 को कुछ करते हैं, तो नहीं आता तो छोड़ दो उसका, है ना। ठीक है, और क्या है जी, नोट्स में एक बार देख लेना इसको भी, नोट्स एक बार फटाक से रिवाइज कर लेंगे तो फायदा हो जाएगा आप लोगों का। इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्मूलाज मैंने दिए थे ठीक है, तो उनको याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, तो ये नोट्स एक बार चेक कर लेंगे तो हो जाएगा, है ना। ये गया हमारा स्पेक्ट्रल एमिशन का, ठीक है, ये है एनर्जी ऑफ एमिटेड लाइट इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इंटू आर इंटू दिस, जेड इक्वल टू मैंने तो ये आर इंटू दिस हो जाएगा। ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं था, आज के क्वेश्चन एंड सब लोग सही भी किए तो बहुत अच्छा है ठीक है। सो ये इजी क्वेश्चन है, आ सकते हैं ऐसे मेंस में, ये सब है जी। हाँ इसमें एक चीज थोड़ा याद रखना होगा, जो यूनिट है थोड़ा सा केयरफुली देना है ठीक है, एच का यूनिट सही से लेना, इस एच के वैल्यू होते हैं 6.626 × 10^-34 जूल सेकंड्स, फ्रीक्वेंसी होता है हमारा हर्ट्स में, एंड रिडबर्ग कॉन्स्टेंट मीटर इनवर्स है, तो बेटर है कि आप थोड़ा यूनिट में थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे लोगों को, मैक्सिमम बच्चों को तो फॉर्मूला पता ही है, होगा ही, है ना, अभी टाइम ज़्यादा मिल गया तो वो भी पता होगा, बट बच्चे गलती क्या करेंगे, यूनिट यूनिट गलत कर देंगे ठीक है, उससे इनका 5-6 मार्क्स चला जाएगा, है ना, तो ये थोड़ा केयरफुल रखना। एक और क्वेश्चन मैंने बताया था कल, उसमें वी आर एम एस का स्पीड रूट 3 RT/m है ना, तो इसमें टी केल्विन में लेना है, एम केजी पर मोल है, जैसे छोटे छोटे चीज़ें, और बच्चे गलती करके आते हैं और मार्क्स चले जाते हैं इसमें अननेसरीली, तो इसे थोड़ा देख सकते हैं, ये हमारा स्पेक्ट्रल एमिशन हो गया। अच्छा कुछ लिखना है इसमें, कुछ लिखना है इसमें किसी को, श्रेया मयंक ऋचा जानवी कुछ लिखना है क्या? अरे भाई बोले बोले बोले, नहीं नो सर, लिखना है, याद करना तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रल एमिशन, ठीक है जी, और क्या है, स्पेक्ट्रल एमिशन हो गया। इसके बाद एक दो टॉपिक छोटा छोटा बचता है, एक आता है न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी बोलता है ठीक है, एक्चुअली मुझे पढ़ाने का इच्छा नहीं कर रहा, बिकॉज मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया था, नोट्स है, नोट्स जरूर देख लेना मॉडर्न फिजिक्स का सारा, बाकी उसमें देख लेना चलेगा, बट मॉडर्न फिजिक्स का देख लेना, वेव ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स ठीक है, बहुत अच्छा नोट्स है, उसमें सब कुछ है एक्चुअली, हमको अभी रियलाइज हो रहा है। तो जो हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स है, इसमें एक फॉर्मूला आता है एक्टिविटी का, इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई रेस्ट माइनस लैम्डा टी, या एन इक्वल्स टू dN/dt आता है हमारा, ये होता है एन नॉट इंटू ई रेस्ट माइनस लैम्डा टी, जहाँ पे लैम्डा हमारा डीके कॉन्स्टेंट है ना, तो ये सब बेसिक फार्मूला है। मैंने इसमें और भी कुछ एडिशनल फार्मूला दिए थे, a/a0 = a^2n, ऐसे कुछ फार्मूला देता था, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ाने का है नहीं इसमें, पर आपको ऐसे पता होगा तो फटाफट एक क्वेश्चन कर सकते हैं, एन का वैल्यू क्या है, हाफ लाइफ का वैल्यू क्या है, 0.693 पे लैम्डा ठीक है, हाँ एवरेज एवरेज लाइफ 1 पे लैम्डा है ना, ये सब नोट्स में दिया है, इसमें कुछ पढ़ाने का है नहीं। इसमें एक चीज़ थोड़ा याद रख सकते हैं, जो रेडियस, सॉरी रेडियस नहीं, जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होता है ना, ये हमारा थोड़ा सा कॉन्स्टेंट होता है, दैट मीन्स अब कोई भी
मटेरियल ले लो, कोई भी एटम ले लो, हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन, लैंथेनाइड कुछ ले लो, आयरन ले लो, एनी एटम यू टेक, उसका जो डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, आर इक्वल्स टू आर नॉट इन टू ए रेस टू 1/3. अब डायरेक्टली पूछेंगे नहीं, ये 1.2 फेमटोमीटर होता है, बट ये पूछ सकते हैं, मतलब को आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कभी पूछेंगे नहीं कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस वेरी करता है कि नहीं, बट इसको यूज करके सॉल्व कर पूछ सकते हैं, दो तीन एलिमेंट दे देंगे एंड पता वैसे एप्लीकेशन आ सकता है उसका. ओके तो ये हो गया हमारा मॉडर्न फिजिक्स, सॉरी न्यूक्लियर फिजिक्स, इसका एक बार नोट्स देख लेना प्लीज, बहुत फायदा हो जाएगा. ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है, नोट्स प्लीज देख लेना एक बार, सब कुछ दिया एक्चुअली, ये तो बेसिक चीज़ हो गया. ओके नाउ इसको छोड़ के एक सेमीकंडक्टर से लॉजिक गेट्स है, लॉजिक गेट्स तो मैंने पढ़ा दिया अच्छे से, अगर इसको नहीं आता तो मैं उसको पर्सनली अलग से पढ़ा दूंगा, मुझे बता देना एक बार. ठीक है, लॉजिक गेट्स तो बहुत ईजी है, जनरली सी एस ए सब लोगों का तो पता होता है, नहीं किसी को आता तो मुझे मैसेज कर दो क्लास के बाद कि सर थोड़ा पढ़ा दीजिए, तो पढ़ा देंगे, कॉमन डिस्कस करने की जरूरत नहीं. इसमें से एक ही चीज़ है कि ट्रांजिस्टर है, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब आ गया था. ठीक है, तो ट्रांजिस्टर वी एस लाइक ए नॉट गेट, बस इतना बताना चाहिए, बाकी सब तो आपको पता होगा, है ना. एंड सेमी कंडक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है बहुत, इससे क्वेश्चन आता है इसी, तो आपको आगे होगा अभी तक तो जितने क्वेश्चन हमने एग्जाम में कर लिए. डायोड होता है हमारा, इसको फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस करते हैं हम लोग, फॉरवर्ड बायस करेंगे तो क्लोज सर्किट होता है, रिवर्स बायस करेंगे तो ओपन सर्किट होता है. ठीक है, एंड ये सब है. एक ज़ीनर डायोड का कॉन्सेप्ट आता है, ज़ीनर डायोड में क्या होता है कि इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर क्या है पता नहीं तो चलेगा. ठीक है, उसका एक दो क्वेश्चन देख लेंगे तो हो जाएगा ज़ीनर डायोड का भी, है ना, शायद लास्ट एग्जाम में आता है, लास्ट एग्जाम में. ठीक है, तो अगर इसको ज़ीनर डायोड और इसमें डाउट है तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, अलग से पढ़ा देंगे उसका. ठीक है, और क्या है जी, सेमी कंडक्टर्स में और क्या होता है ना, इससे ज़्यादा अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा जो ट्रांजिस्टर का ये सब है. अब कभी कभी मेरे से बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, जो ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर है वो मेरे को बता देता, तो बता गया लकीली, तो आप लोग याद तो याद हो जाएगा तो अच्छा है. तो जो हमारा ट्रांजिस्टर है, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, अगर हम उसको ऐसे दिखाते हैं तो उसका तीन रीजन होता है, एक रीजन होता है एमिटर होता है, एक बेस होता है, कलेक्टर होता है. ठीक है, एमिटर क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा होता है. ठीक है, बेस क्या होता है, उसका साइज थोड़ा छोटा होता है, इट इज जस्ट कनेक्टिंग बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर. कलेक्टर क्या करता है, इट कलेक्ट्स इलेक्ट्रॉन. ठीक है, उसमें एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, मैं इसमें बता रहा हूँ कि एमिटर का जो लेंथ है, इन दोनों का लेंथ का रेशियो मतलब क्या रिलेशन है, तो जो लेंथ होगा सबसे ज़्यादा कलेक्टर का होता है, फिर उससे ज़्यादा एमिटर का होता है, उससे ज़्यादा बेस का होता है. ठीक है, अब कुछ नहीं आता आपको इतना पता है तो आप आंसर सही करके आ सकते हैं. दिख रहा है कि आपको भूत ये है ना, रेड कलर का थोड़ा प्रॉब्लम ही है. ठीक है, बेटर मैं इसमें लिख देता, नहीं तो इसको मिटा के लिख देता. ठीक है, कहाँ थे हम लोग, हाँ सपोज आपका ये दिया हुआ है, आपको ट्रांजिस्टर एक दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर दिया है, इसका एमिटर ये रीजन है, बेस रीजन है, कलेक्टर है. ठीक है, तो जो लेंथ का रिलेशन होता है, कभी कभी डायरेक्टली पूछता है, तो लेंथ ऑफ एमिटर, लेंथ ऑफ कलेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, फिर एमिटर का, फिर बेस का, ना. एंड अगर आपको डोपिंग पूछ लिया गया तो डोपिंग डोपिंग क्या होता है, डोपिंग सबसे ज़्यादा होता है एमिटर में, इसमें एमिटर सबसे ज़्यादा होता है, फिर कलेक्टर में होता है, फिर बेस में होता है. ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछ ले तो एटलीस्ट ये कर पाएंगे, है ना. इसमें कुछ मतलब कंसेप्ट वंसेप्ट नहीं है, बस ऐसे बनाया जाता है और वो एग्जाम में पूछ सकते हैं. ठीक है, वही लग रहा है एक क्वेश्चन आएगा एक बार, कोई तो पैटर्न में आएगा, कोई तो शिफ्ट में आएगा क्वेश्चन. ठीक है, एंड इससे तो फिर फंक्शन वंक्शन है, एम्पलीट्यूड. हाँ, अभी मेंस में क्या बहुत ज़्यादा ये भी पूछने लग गया आजकल, सेमी कंडक्टर से जो ट्रांजिस्टर का एज ए एम्पलीफायर यूज होता है वो पूछते हैं, तो एक अल्फा बीटा होता है ना. हाँ, तो इसका क्या होता है कि आई सी आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी होता है ना. ठीक है, सो अल्फा होता है हमारा, ये होता है हमारा डेल्टा आई बी बाई डेल्टा आई सी, डेल्टा आई बी बाई डेल्टा आई, एंड ये होता है हमारा सॉरी डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई, तो डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी, ऐसे कुछ होता है. दोनों का इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं आप. ठीक है, अगर ये सब नहीं आता तो छोड़ दो, ये सब इससे डिटेल जाने का नहीं. इसको हम लोग बोलते हैं करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, करंट गेन इन कॉमन बेस. मैं बस बता रहा हूँ, अगर याद है तो अच्छा है, नहीं तो एक बार देख लेना इसको,
करंट गेन इन कॉमन बेस, यानी कॉमन एमिटर के लिए ये होता है हमारा करंट गेन, ठीक है ऐसा ना। इसके बीच में बहुत ज़्यादा मेन से पूछा गया इसलिए हम बोल रहे हैं, तो अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन डायरेक्टली पूछ देगा आपको, तो आप इसमें कुछ नहीं करना है। और रिलेशन याद रख सकते, याद नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, सर आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी होगा। सो आप दोनों के आई सी से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आई ई बाय आई सी प्लस ये हो जाएगा आई बी बाय आई सी इक्वल्स टू वन आ जाए प्लस वन आ जाएगा ऐसे कुछ, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दिखेगा शायद आई ई बाय आई सी इक्वल्स टू आई बी बाय आई सी प्लस वन। तो आई बाय आई सी हो जाएगा ये हो जाएगा वन बाय अल्फा इक्वल्स टू वन बाय बीटा प्लस वन, ठीक है। तो कुछ नहीं ये सब समझ आकर चलेगा, बस ये फॉर्मूला थोड़ा याद कर लो जी, ये मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं है, नोट्स में भी नहीं है मेरा, बट मैं इसे बहुत ज़्यादा पूछा गया। आपको डायरेक्टली पूछेगा अल्फा दे देगा बीटा निकालो, तो आपको अल्फा बीटा का मीनिंग क्या पता होना चाहिए और इसका रिलेशन पता होना चाहिए। अल्फा होता है हमारा करंट गेन इन कॉमन बेस, आप ये कॉमन बेस के लिए करंट गेन होता है, एंड ये होता है हमारा कॉमन एमिटर के लिए, ठीक है ऐसा है। सो डायरेक्टली अल्फा बीटा का रिलेशन है, आपको अल्फा दे देगा तो बीटा पूछ लेगा, है ना। तो एटलीस्ट सेमीकंडक्टर से कोई क्वेश्चन ऐसा है तो प्लीज़ अटेम्प्ट कर देना इसका, ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो ये एक बहुत ईजी चीज़ है, जो क्या स्ट्रक्चर क्या है हमारा, क्या कहते हैं इसको, सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर कैसा था ट्रांजिस्टर का, एंड डायोड से क्वेश्चन आता है जीरो डायोड से, एंड ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद कर लो, इसी इमेज में क्वेश्चन आएगा मेरे को लग रहा है इस बार भी, तो ये भी थोड़ा लिख सकते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर हो गया ये थोड़ा लिख लो, एंड ये थोड़ा याद कर लो बस, ओके। एंड अल्फाबेटिक का मीनिंग लिख लो, ठीक है। करंट गेन इन, ठीक है तो लिख सकते ना, करंट गेन इन कॉमन बेस। अब क्या इसमें ये सब जानने की जरूरत नहीं, अगर नहीं पता है कॉमन बेस क्या होता है, कॉमन एडिटर क्या होता है, बस ये याद कर लो ये होता है, एंड इसका फॉर्मूला ऐसे, ठीक है। अब खोल के देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में सब इससे क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ, ओके। एंड उससे भी तो ये क्या हमारे सेमीकंडक्टर्स, कुछ निकला तो लिख लो जल्दी से, कुछ लिखना है तो क्या लिखना चाहिए आपने, तो ये वाला लिख लो एंड ये वाला। ठीक है सबने लिख लिया, अगर लिख लिया तो एक बार बता देना, ठीक है। यस सर, ओके सर, लिख ले बाकी लोग जानवी मयंक रिचा, ओके सर हो गया। मयंक लिख रहे कि नहीं, अरे अरे यस सर, हां ठीक है जरूरी है भाई। तो ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक मैंने कवर कर लिया, राइट सेमीकंडक्टर्स तक हो गया। तो बस एक टॉपिक मैंने टच नहीं किया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके एसी का पार्ट है, बाकी सब मैंने टच कर लिया मोस्ट ऑफ इट, है ना। तो उसके लिए ले सकते क्लास चाहे तो, करना है कि वो भी रिवाइज करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यस आप लोग बताएंगे तो हम करेंगे, नहीं तो क्योंकि एग्जाम तो पास है काफी।
ओके ऋचा बोल रहे यस सर, बाकी लोग बताइए थोड़ा। श्रेया मयंक मैसेज कर सकता, जानवी व्हाट डू यू थिंक? ओके जानवी बोल रहे यस, ठीक है बाकी लोग मयंक एंड श्रेया। देखो जी वो तो कब करेंगे उसको, पूरा रिवाइज करने में उसमें भी 1 घंटा लग जाएगा, उससे कम तो नहीं होगा। ठीक है क्या करेंगे, ठीक है एक बार रिवाइज कर लेते। चलो अभी तो क्लास में भी आज ही लेना पड़ेगा, कल तो मेन से किसी का तो थे, तो आज ही करना पड़ेगा। 6 बजे के बाद कर सकते हैं इसको, आफ्टर 6 PM। 6 तो मुझे प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए, तो मैं भी 6:30 6:45 से कर सकते हैं। ओके सो ठीक है, अभी किसी के लिए लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ईजी है तो ज़रूरी नहीं अटेंड करना, एटलीस्ट फार्मूलाज एक बार पता होना चाहिए आपको ना। उसमें मैं थोड़ा कंसेप्ट रिवाइज कर दूंगा, फॉर्मूलाज रिवाइज कर देंगे। तो 6:45 से ऐसे क्लास कर देते एंड 6:45 7 थोड़ा टाइम लगेगा। तो एंड दूसरी चीज़ क्या है, हाँ तो मोस्टली ये बार आज लास्ट क्लास होगा क्योंकि कल से मेन शुरू हो रहा है, तो ये सब है, पढ़ाई हो गया अभी आप लोगों का अच्छे से, मेन्स दे के आना है बस अच्छे से। तो इफ़ यू नाउ जो भी आपका परफॉर्मेंस अभी है अगर आप उसको मेन्स पर रिपीट कर सकते हो तो दैट इज़ वेरी नाइस, मतलब आपके लिए क्या कह सकते हैं, क्रैश कोर्स का सक्सेस हो जाएगा एक सेंस में। जो भी आपको अभी स्कोर आ रहा है मेन्स, हमारे जो टेस्ट वेस्ट ले रहे हैं, तो अगर फाइनल मेन्स में आ गया आपको तो बहुत बड़ा सक्सेस है एंड यू विल गेट गुड कॉलेजेस एंड ऑल, काफ़ी इजीली कॉलेज मिल जाएगा आपको जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे थे, आपको सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है एंड एग्जाम के दिन जाएंगे तो ज़्यादा ये एंगजाइटी मत ले लेना, ठीक है। तो जैसे ये होता है हमारा स्पोर्ट्स खेलता है ना, अगर कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो उसको पता होगा, अगर कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो उसमें क्या थोड़ा दोनों चीज़ होता है, थोड़ा सीरियस भी होता है एंड थोड़ा रिलैक्स भी रहता है, तो इसको वॉर की तरह मत ले रहे ना, वॉर में क्या सब लोग मारा मारी के मूड में रहते हैं, थोड़ा स्पोर्टिव मूड में एग्जाम देते हैं ना, ठीक है। स्पोर्टिव मतलब क्या है, मतलब एग्जाम देंगे तो सॉर्ट ऑफ ये है आपके लिए एक मैच की तरह एंड उसको अच्छे से खेलना है आपको तो मज़ा आएगा आपको काफ़ी, दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड जो जेईई मेंस का एग्जाम रहेगा तो ये एक्सपीरियंस आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, जैसे मैं तो आपको कितने बार मेरा एक्सपीरियंस होना है मेंस का, जो भी मेरा हुआ था, हालत ख़राब हुआ था जो भी है ना, तो आपका भी जो मेंस का एक्सपीरियंस रहेगा लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा, मेंस एडवांस देंगे तो एडवांस का भी, ठीक है। एंड आपका सिचुएशन तो अभी काफ़ी कोरोना वायरस भी चल रहा है तो आपको और मेमोरेबल हो जाएगा, हाउ यू हैंडल द सिचुएशन, हाउ यू वर स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट द पेपर, है ना। तो यही है, तो थोड़ा स्पोर्टिव मोड में देना। आई फील एक्चुअली एक सेशन करने वाले थे आपको, देखते हैं पॉसिबल है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है एंड आई फील क्या बोलो, प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हुआ है जो भी प्रिपरेशन का लेवल है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू रखना आपको आगे, ठीक है, बस एग्जाम में दे के आना है ऐसा। ओके सो आई ट्राई टू कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 6:45 टुडे, अटेंड करना कर सकते हैं, ठीक है। Okay, so thank you very much. Thank you all. We'll meet in the evening. Thank you, sir. Thank you, everyone.